कुवरसा को ना कहना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। मेरी ना उन्हें तोड़ देगी, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। कैसे समझाऊंगी उन्हें? ये तो मां और मासियों की आवाज है। जरूर इनकी कोई नई चाल होगी। मां, मुझे पता है आप लोग यही कही हैं। छुपने से कोई फायदा नहीं है, बाहर आइए। लो, आ गए सामने। अब क्या करने आए हो यहाँ आप लोग? अब क्या कहीं आने जाने के लिए तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी सितारा? जिद छोड़ दीजिए। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे होते हुए आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो फिर क्यों सबको परेशान कर रही है? ना घमंड अच्छा नहीं होता है सितारा। भूलो मत, तुम अकेली हो और हम चार। कब तक बचाओगी अपने राज परिवार को? अपनी आखिरी सांस तक। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि तुम चारों के लिए मैं अकेली काफी हूं। एक माँ के लिए अपनी बेटी की जान लेना खुद की मौत के बराबर है सितारा। लेकिन तूने मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा था। आज मैं एक मां नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक विषकन्या हूं। और एक विषकन्या अपना बदला कभी नहीं भूलती। अपने बदले पर जब आती है तो उसे कोई रिश्ता याद नहीं रहता, एक मां बेटी का रिश्ता भी नहीं। हमने तुमसे कहा था सितारा कि हमारे खिलाफ मत जाओ, पछताओगी। पर तुम नहीं मानी। अपने दुश्मनों का साथ देने की कीमत अब अपनी जान देकर चुका रही हो तुम। मेरी बात मानी होती तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। तुम्हारी जिद और अकड़ की वजह से आज तुमने अपनी जिंदगी से हाथ धो दिए। और किसके लिए सितारा? उन पराए राजवंशियों के लिए। उन राजवंशियों के लिए आज तुमने अपनी मां को धोखा दिया। और बदले में तुम्हें क्या मिला? मौत, मौत मिली है तुम्हें। आज तक इन राजवंशियों ने मुझसे सब कुछ छीना है, लेकिन अब मैं हर उस चीज का बदला उनसे लूंगी। एक एक करके, एक एक राजवंशी को मैं खुद मौत के घाट उतारूंगी। हाँ,
रास्ते से हटा दिया है। अब कैसे बचाओगे खुद को? महाराजा रतन प्रताप सिंह, क्या किया तुम लोगों ने सितारा के साथ? क्या किया है? मार दिया मैंने अपनी बेटी को, जान से मार दिया मैंने उसे। क्या? मैंने अपनी बेटी को मार दिया? हाँ, अपनी बेटी को मार दिया मैंने, क्योंकि मेरे सामने मेरी बेटी ने तुम्हारी रक्षिका खड़ी थी और तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाने के लिए अगर मुझे अपना हर रिश्ता भुलाना हो ना, मैं भुलाने के लिए तैयार हूं। इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ रतन प्रताप। कन्या को कामयाब नहीं होने दूंगी मां, मुझे राजमहल पहुंचना होगा, मुझे राज परिवार को बचाना होगा। मैं उनकी रक्षक हूं, उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मां मेरी मदद कीजिए। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम लोगों से डर जाऊंगा? आज भी तुम लोगों से लड़ने का जज्बा है मुझ में। गया तुम्हारा जज्बा रतन प्रताप? हाँ, कैसे लड़ोगे हमारी शक्तियों से? कुछ नहीं कर सकते तुम, हार गए हो तुम रतन प्रताप। आज कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई नहीं। तुम्हारा खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म। माँ मेरी मदद कीजिए, माँ मेरी 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 मदद कीजिए। नमस्ते, 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 नमस्ते।